सिवनी जिले के ग्राम पाटन में इस नवरात्रि में मां के 9 रूपों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें 2021 में सबसे सुंदर और हंसते हुए प्रतिमा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्ध हुई थी। इन प्रतिमाओं में एक मां की हंसते हुए प्रतिमा भी शामिल है। इस वर्ष 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाली है, तो वहीं भक्तों के द्वारा उनकी तैयारी देश भर में देखने को मिल रही है। नवरात्र में भक्तों को मां के विभिन्न रूप नजर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। तो वहीं ग्राम पाटन में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा पाटन नगर में मां के 9 रूपों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 2021 में एक प्रतिमा पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से प्रसिद्ध हुई थी, जो मुस्कुराते हुई थी। ये प्रतिमा पवन प्रजापति द्वारा बनाई गई थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्तों का जमावड़ा लगा था। उसी मूर्ति की स्थापना ग्राम पंचायत पाटन में की जा रही है, जिसमें पूरे ग्रामवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष ग्राम पाटन में 9 देवियों की स्थापना का विशेष महत्व है। 9 दुर्गा में सभी 9 देवियों की स्थापना की जा रही है, जिसमें विशेष जो मूर्ति 2021 में हसमुख वाली प्रसिद्ध हुई थी, एक प्रतिमा उसमें वो भी रहेगी जो पिछले 2021 में प्रसिद्ध हुई थी। और अभी हमारे ग्राम में पंडाल का कार्य प्रगति पे है और इसके साथ ही सुबह शाम संगीतमय आरती भजन संध्या रोज के हमारे जो नियमित कार्यक्रम रहेंगे वो सभी इसमें शामिल रहेंगे। और 9 देवियों का 9 दुर्गा में विशेष महत्व है और इसको सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। और हम सभी से क्षेत्रवासियों से तहसीलवासियों से अपील करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आके धर्म लाभ अर्जित करें।